फ्रेंड्स, आज हम आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना रहे हैं, जो आप ये कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके लिए मैंने चार आलू लिए, इनको मैंने हल्का हल्का उबाल लिए। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। हम सभी आलूओं को ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे। मैंने आलू को थोड़ा थोड़ा उबाला है, ये कच्चे आलू नहीं है। हमने आलू को ग्रेट कर लिया है, अब एक बाउल में डाल देते हैं। ये नाश्ता आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, ये बच्चों बड़ों के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। हम कम मसाले डालकर बनाएंगे इसको। एक चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी रेड चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं इसमें। आप ज़्यादा मसाले खाना चाहते हैं तो आप और मसाले ऐड कर ले। मैंने एक छोटा प्याज लिया है। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अब इसको बाइंडिंग करने के लिए मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। आप चाहे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं इसमें। हम 4-5 चम्मच डाल देंगे। हम इसको बाइंड करने के लिए डालेंगे, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं इसको। हम मिक्स कर देंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। अब धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारे स्नैक्स बनाने के लिए तैयार है। अब हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपकेगा नहीं। आप किसी भी शेप में ये बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हम इनको ऐसे बना बना कर रख लेंगे। आप चाहे गोल टिकिया के ऐसे भी बना सकते हैं इसको। हम ऐसे सभी बना कर रख लेंगे। हमने सभी को बना कर रख लिया है। फ्राई करने के लिए हमने तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए इसमें डाल देते हैं। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे कर रखा है। अभी थोड़ा सिक जाएंगे तब हम इनको पलट देंगे। ये थोड़े थोड़े सिक गए हैं, अब हम इनको पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार ये नाश्ता आप ज़रूर बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। बहुत ही कम टाइम में बन जाता है ये। चारों तरफ से हम पलट पलट के इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम निकाल लेते हैं। बच्चों, स्नैक्स भी आप ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हमारे आलू के स्नैक्स तैयार हो गए हैं। आप इसे चटनी सॉस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और आप एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लगे।